चार मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं, जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं, कोशिश करता हूं कि आप तक पहुंच सकूं। जो लोग मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि इधर मुड़ जाएं, मैं लाइव ज्यादा खूबसूरत लगता हूं, तो बेहतर होगा कि इधर आ जाएं आप, वहां सिर्फ आप देख पाएंगे, यहां सुन भी सकेंगे अच्छे से। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। था शहंशाह को गुरूर बहुत, यहां से वहां तक एक एक शख्स की शिरकत होनी चाहिए। मुझे लगे कि मैं गोरखपुर में खड़ा हूं, मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि था शहंशाह को गुरूर बहुत। जिस बादशाह का जिक्र कर रहे थे आजम भाई, मैं कोशिश करता हूं चार मिसरे पढ़ने की। था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, अगला मिसरा सच्चा हो तो एक हाथ हवा में उठे। कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। आजम साहब की तकरीरों में एक चीज पिछले बिहार के रिजल्ट के बाद मुसलसल मीडिया में भी रही और हम सब ने भी सुनी। आपने पूरे उत्तर प्रदेश को बिहार जीतने की मुबारकबाद दी और मुबारकबाद देते देते यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश वालों आप खुशनसीब हो कि बिहार जीते, वरना जो दिवाली गुजरी है वो पटाखों से नहीं बल्कि आपके जलते हुए घरों से मनती। बहुत सच्ची सी बात थी, उसे सुन के मैंने चार मिसरे कहे और बहुत सिंबल का इस्तेमाल किया, प्रतीकों का इस्तेमाल किया। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जो इंतजाम वाले लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि बिल्कुल छोड़ दें उन्हें मेरे हवाले और मुझे उनके हवाले, वो कुर्सी रख लें। आगे देखें आप, उधर जो पीछे 2-3 दोस्त कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं, ये काम तो दिल्ली में बैठे हुए लोगों का है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो कुर्सी जो पीछे इधर उधर हो रही है उसे आप पकड़ लें, तब मैं चार मिसरे पढ़ना शुरू करूं। एक बार आप जोरदार ताली बजा करके माहौल दें, मैं कोशिश करता हूं। चार मिसरे पढ़ता हूं, बिहार का रिजल्ट आपकी आंखों में है, सुनिएगा। इरशाद के दूध ने चाय को हरा डाला, आप सुन के बताएं, आप खामोशी से सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका जोश कम पड़ गया है। मैं पढ़ता हूं साहब, के दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। अगला मिसरा अगर दिल को छू जाए तो मुझे सुन के बता देना, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, आपने जितनी दादवाद दी है इससे मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। बस गुजारिश ये करता हूं कि जो इधर लोग बैठे हैं थोड़ी सी आपकी भी शिरकत हो, आपकी दुआएं, आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा, तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजेंगी तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। मैं चार मिसरे और पढ़ता हूं। हमारे देश में एक बाबा है साहब, दुनिया की हर बीमारी का इलाज करने का दावा करते हैं वो, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाए साहब। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों उनका बयान आया कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना गर्दनें काट दी जाती।
तभी उनके पीए ने उनसे कहा कि बाबा अगर गर्दनें काट दी जाएंगी तो जो अपना तेल और शैंपू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बाबा तुरंत चुप हो गए। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं, मैं एक सवाल उछालता हूं उनकी तरफ। मुनव्वर सलीम साहब जैसी बड़ी शख्सियत इसलिए चुप नहीं हुए थे, उनके बयान के बाद हमारा बयान जारी हुआ था। अरे बाबा बाबा। और हमने ये कहा था कि रामलीला मैदान से जनाने कपड़े पहनकर भागने वाले दुनिया के हिजड़े तेरे नाम पर शर्मिंदा हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल, मैं चार मिसरे पढ़ता हूं। बिल्कुल जो आजम भाई ने कहा है उसे अक्षरशः शब्द शब्द पिरोता हूं अपने चार मिसरों में। जी जी बिल्कुल। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। कसम है के खात को आपकी तालियों का शोर हरिद्वार तक जाए। मैं अगला मिसरा पढ़ता हूं। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जो नफरत के सबब। इमरान ये चार मिसरे फिर से पढ़िए एक बार। पढ़े जाए। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। नहीं ये चंद ठेकेदार नहीं तय करेंगे कि हम क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, हम उन्हें ये तय करने की इजाजत नहीं देंगे। ये कोई तय कर सकेगा तो जो हमारे रहबर हैं आजम साहब जैसे लोग, वो तय कर सकेंगे कि हमारी नस्लें क्या करेंगी क्या बोलेंगी क्या पहनेंगी। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं साहब। कि तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे, मैं जानता हूं आपकी धड़कनें जो महसूस करती हैं। मैंने कोशिश करी है कि मैं उसे शब्द दे सकूं। मैं आपकी आपकी अदालत में हाजिर हूं। पढ़ता हूं चार मिसरे। कि तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे, भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे, भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे। तुम्हें जय बोलना है मेरे भाई शौक से बोलो। मेरे ईमान ने जो कहा है, अगर आपका भी ईमान यही कहता है तो एक एक हाथ को कसम है अगले मिसरे पे। तुम्हें जय बोलना है मेरे भाई शौक से बोलो,
मगर हम जय नहीं बोलेंगे जिंदाबाद बोलेंगे, मगर हम जय नहीं बोलेंगे जिंदाबाद बोलेंगे। तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे। वाह वाह।